कांग्रेस पार्टी ने समर्थकों से चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का अभियान शुरू किया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 1.38 लाख रुपए देकर इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन पार्टी के साथ खेला हो गया। खेला इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने जिस नाम का अभियान शुरू किया उस नाम का डोमेन नेम किसी और ने रजिस्टर कर लिया। न सिर्फ रजिस्टर कर लिया बल्कि वहां भाजपा को डोनेट करने का लिंक भी डाल दिया। इसके बाद कांग्रेस जिन समर्थकों से डोनेशन की अपेक्षा कर रही थी वही अब उसे गाली दे रहे हैं। उदाहरण के लिए खुद को सेक्युलर लिबरल बताने वाले संदीप मनु धाने का ट्वीट ही देख लीजिए। उन्होंने कांग्रेस के इस अभियान के शुरू होते ही इसकी 3 खामियां गिना दी। पार्टी की खोखली प्लानिंग, आला कमान द्वारा कोई निगरानी नहीं और व्यवहारिक ज्ञान की कमी। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताते हुए कहा कि अगर धूर्त विरोधियों द्वारा आपका सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग प्रोग्राम हाईजेक कर लिया जाता है यह आपकी नाकामी को दिखाता है विरोधियों की नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि आज की रियल पॉलिटिक यानी नैतिकता की जगह परिस्थिति और व्यवहार के हिसाब से चलने वाली राजनीति में स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के डरे होने का दावा करते हुए फर्जी डोनेशन लिंक बनाकर कांग्रेस समर्थकों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। इस पर भी संदीप ने रिप्लाई दी कि उन्होंने वही किया जो कांग्रेस में नीतियां बनाने वालों ने नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जरूरी डोमेन्स को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने तो यहां तक सलाह दे डाली, चूंकि डोनेट फॉर देश अभियान को हाईजेक कर लिया गया है इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने डोनेशन कैंपेन का नाम बदलकर कुछ और रख दे। साथ ही अखबारों से लेकर मीडिया तक में इसका प्रचार करने की सलाह दे डाली। व्यक्ति डोनेट फॉर देश .org वेबसाइट को खोलता है तो इस पर भाजपा को चंदा देने का पेज खुलता है। यहां नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर भाजपा को चंदा देने का फॉर्म खुलता है। वहीं donateforthesh.com और donateforthesh.in भी कांग्रेस नहीं ले पाई। वहीं इस अभियान के चालू किए जाने पर सबसे पहला चंदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही दिया। खड़गे ने इस दौरान 1.38 लाख चंदे में कांग्रेस को दिए। चंदा देते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष खुश नहीं दिखे और जब पैसा उनके फोन से कांग्रेस को चंदे के लिए ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने कहा 1 महीने की पगार चली गई। कांग्रेस अध्यक्ष के 1 महीने वाले बयान पर अब सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति को देखते हुए उनके लिए 1.38 लाख कोई बड़ी धनराशि नहीं है। उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक में मंत्री है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा चुनाव में भरे गए पर्चे के अनुसार उनके पास 9.80 करोड़ की चल अचल संपत्ति थी। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास भी 9.28 करोड़ की संपत्ति थी। उन्होंने वर्ष 2018-19 में अपनी वार्षिक आय 27,84,530 बताई थी। कांग्रेस ने यह अभियान लोकसभा चुनाव के खर्चे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए चालू किया है। इसके अंतर्गत उसके कार्यकर्ता पहले 28 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करेंगे, जबकि 28 दिसंबर 2023 के बाद वे घर घर जाकर चंदे की मांग करेंगे। एडीआर द्वारा दी गई एक जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पास 2021-22 में 805 करोड़ की संपत्तियां थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी यह वीडियो किसी सड़क किनारे बना लग सकता है, इसके किरदार भी वही के लग सकते हैं, लेकिन अफसोस यह देश की संसद है और राज्यसभा चेयरमैन का भद्दा मजाक बनाते, उसका वीडियो बनाते और उस पर हंसी ठहाके करते महानुभव इस देश के सांसद है। अपने निलंबन के कारणों का स्वयं सबूत देते हुए माननीय राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते रहे जबकि अन्य विपक्षी सांसद इस कारनामे पर हंसते रहे। कल्याण बैनर्जी की इस करतूत का वीडियो वायरल है। वीडियो में दिखता है कि कल्याण बैनर्जी जगदीप धनखड़ की राज्यसभा में बातचीत करने की शैली और उनके लहजे की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस दौरान कल्याण बैनर्जी बहुत भद्दे इशारे करते हैं। कल्याण इस वीडियो में जगदीप धनखड़ के द्वारा सदन के अंदर कही जाने वाली बातों को नकल करते हैं।
वहीं निलंबित सांसद इस पर ठहाके मारते हैं। इन सब के साथ लोकसभा सांसद राहुल गांधी खड़े थे। राहुल गांधी कल्याण बैनर्जी का वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद कल्याण बैनर्जी से जगदीप धनखड़ द्वारा कही जाने वाली बातों में से कई की कॉपी करने को भी कह रहे थे। कल्याण बैनर्जी इस वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं, मेरी रीढ़ कितनी लंबी है, मैं कितना लंबा हूं। राहुल गांधी के अलावा यहां राजद सांसद मनोज झा, द्रमुक सांसद ए राजा, कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कई सांसद मौजूद थे। यह सभी कल्याण बैनर्जी की हरकत पर हंस रहे थे। इनमें से किसी ने भी यहां कल्याण बैनर्जी को रोकने की कोशिश नहीं की। कल्याण का यह वीडियो नई संसद के मकर द्वार का है। मकर द्वार पर विपक्ष के सांसद बैठकर हंगामा कर रहे थे, वे यहां धरना देने आए थे। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद हंगामा मचा रहे थे, जिसके कारण उपसभापति ने 49 सांसदों को राज्यसभा की सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कल्याण बैनर्जी की हरकत का संज्ञान लिया है। उन्होंने कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी के इस बर्ताव पर कहा, मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता है, मैं तो यही कह सकता हूं कि सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। इस पर वहां बैठे अन्य सांसद कहते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी की हरकत को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। इससे पहले सोमवार को 78 सांसदों को हंगामा करने के कारण सस्पेंड किया गया था। लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसदों पर कार्रवाई हुई थी। इस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र में सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। आज की कार्रवाई से पहले भी 92 सांसद सस्पेंड हुए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। गजब का मास्टर स्ट्रोक खेला है ममता दी और केजरीवाल ने। प्रधानमंत्री के लिए खड़गे का नाम आगे कर दिया। राहुल गांधी को जननायक प्रोजेक्ट कर पीएम पद की रेस में आगे करने में जुटी कांग्रेस ने यह दांव सोचा भी नहीं होगा। वो खड़गे के लिए नय नहीं कर सकती और हां का मतलब राहुल गांधी रेस से बाहर। इधर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया समन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने अक्टूबर की शुरुआत में सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि इन्होंने इनकार कर दिया था और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर वे इस बार भी हाजिर नहीं हुए तो क्या होगा, इसके कानूनी पेच क्या है। वह इस बार भी हाजिर नहीं होंगे इस बात की संभावना इसलिए है क्योंकि वह 19 दिसंबर से विपसियाना सत्र में शामिल होने जा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 की धारा 50 के तहत जिस किसी को भी समन किया जाता है उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होना होता है। जनवरी 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर पहली चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू नाम के एक आरोपी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उसे इस मामले में दूसरे आरोपी के साथ काम करते रहने के लिए कहा गया था। अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो कॉल मामले में आरोपी विजय नायर को माय बॉय कहा था। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन आया तो केजरीवाल ने
आरोप लगाया था कि समन भाजपा के इशारे पर जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर बुलाया गया था। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया था कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें सीएम के तौर पर या आपके मुखिया के तौर पर किस तौर पर बुलाया गया है। केजरीवाल ने कहा था कि जांच अधिकारी को समन को फिर से ठीक करके भेजना चाहिए। इस बार में आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पत्रकारों से कहा कि ताजा नोटिस को लेकर कानूनी राय मांगी गई है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं। अगर केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी तीसरा नोटिस जारी कर सकता है और सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। हालांकि अगर वे फिर भी जांच में शामिल नहीं होते हैं तो ईडी दो काम कर सकती है। नंबर वन, एक वे अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग कर सकती है। नंबर दो, मामले की जांच में जुटे अधिकारी उनके आवास पर पहुंचकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर अधिकारियों के पास ठोस सबूत है तो वे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया है। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। नीतीश कुमार का पत्ता काट दिया। ऊपर से संयोजक के पद पर कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, साथी लालू यादव ने भी पलटू कुमार को धोखा दे दिया और दुल्हा का पद कांग्रेस को देने की बात की, जिसका इशारा उन्होंने पटना में हुई पहली बैठक में ही किया था। अब कहां जाएंगे कुशासन बाबू? बैठक से एक दिन पहले पटना में पोस्टर पर पोस्टर लगवाकर खुद को पीएम प्रत्याशी प्रोजेक्ट करवाया, अब निराशा हाथ लगी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन ने मंगलवार यानी 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में इंडी गठबंधन के संयोजक का नाम नहीं तय हो पाया है। इस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि इस मामले में अभी भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई, फिर भी इस गठबंधन के घटक दल इस बैठक को सफल बता रहे हैं। उनकी तरफ से सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर 20 दिनों के अंदर आम सहमति बनने की भी आशा जताई गई। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक 25 से 26 पार्टियों का जमघट होने के चलते अभी किसी मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक के दौरान इंडी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नाम पर चर्चा हुई। इस पद के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। बताया जा रहा है कि खुद खड़गे ने इस प्रस्ताव पर रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने केजरीवाल और ममता बनर्जी से फिलहाल चुनाव पर ध्यान देने के लिए कहा। इंडी गठबंधन की सभी घटक पार्टियों ने 30 जनवरी से एक साथ चुनाव प्रचार की भी घोषणा की है। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस सभा के दौरान 141 सांसदों के निलंबन की भी निंदा हुई। इस मीटिंग से निकलने के बाद कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात की। उन्होंने इसे एक सफल मीटिंग बताया है और कहा कि सभा के दौरान सभी पार्टियों ने खुलकर अपने विचार रखे। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि 25-26 पार्टियों के जमघट की वजह से थोड़े बहुत मन मुटाव भी सामने आए। वेणुगोपाल के मुताबिक मुख्य फोकस सीटों के बंटवारे पर रहा, लेकिन सभी चीजें एक साथ तय नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, सीटों के बंटवारे पर बातचीत तुरंत शुरू करने की जरूरत है। वेणुगोपाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इंडी गठबंधन की अगली मीटिंग कब होगी। इसी मीटिंग से निकलकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में बहुत साफ साफ बातें हुई। बकोल झा, 20 दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा और बड़े स्तर पर लोगों से जनसंपर्क का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि मनोज झा ने बताया कि इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर मीटिंग में कोई बात नहीं हुई है। बताते चले कि इससे पहले सितंबर 2023 को इंडी गठबंधन की मीटिंग मुंबई में हुई थी। तब मीटिंग के पहले दिन विभिन्न पार्टियों के 63 नेताओं ने इसमें हिस्सेदारी की थी।
इससे मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी पार्टियों से समन्वय समिति बनाने के लिए सभी पार्टियों से एक एक नाम देने की अपील की थी। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सितंबर माह के अंत तक ही सीटों के बंटवारे की उम्मीद जताई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।